नेशनल हाईवे पर कुरुक्षेत्र के समानी के पास प्रवासी मजदूरों को जलंधर से उत्तर प्रदेश छोड़ने जा रही सवारी बस में एकाएक आग लग गई, जिससे पुलिस और फायर ब्रिगेड की तत्परता के चलते बुझा दिया गया, जिसके कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय बस में 31 लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शी सुरेंद्र कुमार के अनुसार जलंधर से उत्तर प्रदेश जा रही बस का इंजन गर्म हो गया और उसमें एकाएक आग लग गई। उसने बताया कि पुरानी बस में तकनीकी समस्या के कारण ये आग लगी होगी, हालांकि जांच के बाद ही आग लगने की असली कारणों का पता चल पाएगा। बहरहाल 31 के 31 प्रवासी सेफ हैं और उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। सवारी लेके आई है जिन्होंने यूपी में जाना जलंधर से, और यहाँ ये कुछ गर्म हो गया इंजन अचानक, उसकी वजह से आग लगी एकदम। हमने बैठे देखा यहाँ पर, साथ के साथ जो आना है हम आके जो पानी का जिससे मार थे उसको आग को बुझा दिया और सवारी सैकड़ सौ वापस नीचे उतार दिया। सर कितनी सवारी है इसमें? नियर अबाउट 37 तक। सर कोई इंजरी वगैरह नहीं? कोई इंजरी नहीं। कुछ कारण पता लगा सर? क्या कारण अभी नहीं पता लगा, बस वो यह चल के आई है, पुरानी गाड़ी है, पानी वगैरह उसमें ठीक नहीं, उसमें से कुछ बात आग लगी।